अलैकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अबू धाबी में लिमोज़िन का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। काम के बारे में आपको बताऊँ तो अभी पहले से काम माशाल्लाह बहुत बेहतर हो चुका है, और आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊँगा कि कितने की गाड़ी है और कौन सी कंपनी है और क्या इंस्टॉलमेंट है उसकी, क्या डाउन पेमेंट है, किस तरह से एक फ्रेश बंदा जो है ना लिमोज़िन के काम में आ सकता है, और किस तरह से कोई टैक्सी ड्राइवर है तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो लोग यूएई में अबू धाबी में इसका जो लिमोज़िन का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, इस वक्त हमारी कंपनी जो कि ना ट्रैवल विजन के नाम से है, वो जो गाड़ी जो दे रही है वो 2022 मॉडल या जो 23 मॉडल की गाड़ी होगी, यूज़ में गाड़ी होगी, शेवरलेट इकोनेक्स या मुलिबो गाड़ी होगी जो कंपनी जो है ना वो सेल करती है। थोड़ी बहुत जो चली होती है गाड़ी यूएसए या इससे कनाडा से वो गाड़ी इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्ट होने के बाद उसको शोरूम जो कंडीशन में हमारी कंपनी जो है ना वो ड्राइवर्स को देती है। तो इसमें बात कर लेंगे कि क्या जो डाउन पेमेंट है, कितनी इसकी इंस्टॉलमेंट है, और किस तरह से जो है ना एक फ्रेश बंदा इसको जो है ना ज्वाइन जो कर सकता है। तो अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले आपको ये जो लिमोज़िन जो कंपनी है उसका वीज़ा जो है ना वो जो लेना पड़ेगा, जो तकरीबन 8,000 जो दिरहम का वीज़ा है। उसके बाद आपने अपनी जो फाइल ओपन करवानी है जो ड्राइविंग स्कूल में, और आपने जो लाइसेंस लेना है, ये भी फ्रेश बंदे का बता रहा हूँ। और अगर किसी के पास लाइसेंस है तो वो जो है ना जस्ट जो है ना वीज़ा जो है ना वो लेगा कंपनी से। वीज़ा लेने के बाद वीज़ा आप अपना भी रख सकते हैं, अगर आपके पास अपना वीज़ा है आप अपनी कंपनी से एनओसी पेपर लेकर हमारी कंपनी के पास आ जाते हैं, तो वो हमारी कंपनी आपको एनओसी पेपर बनाकर उसके बाद जो ट्रांस का कार्ड बना देगी, ट्रांस का कार्ड बनाने के बाद उबर और जो करीम की आईडी बना देगी। तो बात करेंगे जो है ना गाड़ी की, गाड़ी जो है ना वो आपको मैंने बता दी है कि 22 या 23 जो है ना उसके मॉडल की गाड़ी होगी, यूज़ की गाड़ी होगी, थोड़ी बहुत जो चली होती है, थोड़ी सी एक्सीडेंट होती है वहाँ से आती है यहाँ पर रिपेयर करके, तो कंपनी उसको 40,000 जो डाउन पेमेंट पे गाड़ी दे रही है, प्लस 30,000 आपका पेंडिंग जो रह जाएगा। टोटल गाड़ी की कीमत जो है ना वो 70,000 है, 70,000 जो दिरहम है, 70,000 दिरहम में से 40,000 आपने एडवांस दिया, 30,000 आपका जो पेंडिंग रह गया। एक साल की गाड़ी की रिन्यूअल की जो है ना बात करें तो जो ट्रांस की फीस है वो 7,000 जो 200 दिरहम एक साल की है वो आपने जो पे करनी है, प्लस जो है ना गाड़ी की इंश्योरेंस जो करवानी है, प्लस उसमें जो है ना ट्रैक्टर जो है वो लगवाना है और बिल बुक, ये मिला के तकरीबन जो 11,000 या 11,500 का खर्चा है। उसके बाद जो ट्रांस कार्ड आपका बनता है वो 550 में आई थिंक सो बनता है, तो तकरीबन ये 12,000 आपका, कोई भी गाड़ी लेंगे 12,000 जो दिरहम आपका एक साल का रिन्यूअल का गाड़ी के ऊपर खर्चा है, ठीक है दोस्तों। 40,000 आपने जो है ना डाउन पेमेंट की, उसके बाद 4,000 मंथली आपकी किस्त हो गई, 4,000 के हिसाब से आप लगा लें कि कितनी देर में आपकी किस्तें जो है ना 30,000 जो दिरहम जो है ना आपका जो कंपनी का जो पेंडिंग होता है वो जो कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो कंपनी 1,000 जो दिरहम जो है ना चार्ज करती है अपनी ये सर्विस फीस का, अगर आप एक ड्राइवर हैं या दो ड्राइवर हैं, दूसरा ड्राइवर अगर आपने साथ रखना है या आप दो पार्टनर हैं तो दूसरा आपको वीज़ा बाय करना पड़ता है, उसकी सेम कॉस्ट 8,000 जो दिरहम सेम कॉस्ट आएगी। अगर आपका अपना वीज़ा है तो सेम जो प्रोसीजर रहेगा कि आप एनओसी पेपर अपनी कंपनी से लेकर आएंगे। तो ये है जो है ना मैंने जो गाड़ी की कीमत आपको बताई है, 40 प्लस 30 प्लस उसके ऊपर आपका 12,000 जो 1,000 दिरहम साल का जो है ना वो फिक्स है, और 1,000 दिरहम आपने सर्विस चार्ज कंपनी को हर महीने जो महीने देना है। तो काम की बात करें तो इस वक्त माशाल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है, और हर एक जो ड्राइवर है मुझ समेत वो 500 दिरहम जो है ना डेली की अर्निंग जो है ना वो कर रहा है। 500 दिरहम का मतलब है अगर 30 दिन का आपने काम किया तो 15,000 महीने का हो गया। कुछ लोग माशाल्लाह 18-20,000 भी कर रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आप एवरेजली लगाएं तो 15,000 जो दिरहम का काम किया, जिसमें से आपका फ्यूल एक्सपेंस निकाल दें तो तकरीबन 3,000 से 4,000 का आपका फ्यूल एक्सपेंस जो है ना वो जाता है। फ्यूल के बाद आपने 1,000 जो सर्विस चार्ज जो मंथली जो कंपनी की फ़ीस है वो पे करनी है। उसके बाद आप का वो 5,000 खर्चा हो गया, 5,000 के बाद आपने 4,000 इंस्टॉलमेंट दी, पीछे 6,000 जो है 1,000 दिरहम रह गया। अगर आप इंस्टॉलमेंट जब आपकी जो क्लियर हो जाएंगी तो ये 4,000 भी आपको जो है ना ये बच जाया करेगा। तो इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी आप 4,000 से 5,000 सेविंग जो है ना इसमें जो कर सकते हैं।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की है। जैसे जैसे मेरे पास कंपनी की तरफ से कोई गाड़ी आती है या कोई गाड़ी सेल हो रही होती है, उसका बहुत फ़ायदा होता है कि अगर एक एक कंपनी में गाड़ी लगी हुई है ऑलरेडी और वो सेल हो रही है, तो वो आप जो बाय कर लेते हैं तो आपको चीप मिल जाती है, चीप प्राइस में मिल जाती है, और दूसरा वो ऑलरेडी आपको उसके लिए वेटिंग नहीं जो आपको जो करनी पड़ती है, आपका फ़ौरन से उबर की आईडी बनती है और फ़ौरन से जो है ना विद इन जो है ना वन मंथ के अंदर अंदर आप जो है ना अपना ड्यूटी जो है ना स्टार्ट जो कर लेते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह जैसे ही कंपनी की गाड़ियाँ आती रहेंगी मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा, मैं गाड़ियों की भी वीडियो बनाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे कंपनी के जो बॉस हैं उनसे भी मैं रब्ता जो करके तो उनके कीमती जो है ना उनका जो टाइम लेंगे और उनके साथ एक इंटरव्यू जो मैं करूँगा, उसमें काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो इसमें जो क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाएँ, उसमें ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी उबर करीम के वाले से जो है ना वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप जो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज जो कर सकते हैं, मैं आपके उस जो क्वेश्चन का आंसर जो है ना दे दूंगा। अपना और अपने जो प्यारों का ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।